विपिन कुमार के साथ जगमोहन मोटर्स में दोबारा आए हैं। मैं सेल्स कैप्टन, सेल्स एक्सपर्ट इन जगमोहन मारुति सुजुकी में आपके साथ। पिछली बार मैं जो रिव्यू लेके आया था वो लेके आया था केटन के 3 मॉडल्स के, जो टॉप से और बेस से और बेस से टॉप तक थे। इस बार वो जो मैं मॉडल लेके आया हूँ आपके लिए, वो मारुति के अंदर सबसे सेलिंग कार है, जिसके अंदर हम CNG वेरिएंट्स की बात करेंगे, क्योंकि उस मॉडल के अंदर मारुति में सिर्फ CNG के सिर्फ 2 ही मॉडल आते हैं, जो एक आता है LXi CNG और एक आता है वैगनार VXi CNG। तो जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वो है वैगनार गाड़ी, जो मारुति की सबसे बढ़िया स्पेशियस कार है, जिसमें LXi CNG और VXi CNG मैं दोनों के बारे में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार दोनों LXi CNG और VXi CNG का बाहरी लुक दिखाता हूँ, आप एक बार घूम के चेक कीजिए, देखिए गाड़ी को किस तरीके की है, उसके फीचर वाइज बाहरी इम्प्रूवमेंट क्या क्या हैं, फिर मैं उनकी आपको 1x1 स्टेप बाई स्टेप डिटेल्स दूंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आपके लिए वैगनार बेस्ट क्यों है। ठीक है, आइए दोस्तों वैगनार LXi की तरफ चलते हैं। पहले ये वैगनार LXi का बाहरी रूप है, फ्रंट जो बोलते हैं अपन। देखिए वैगनार या कोई भी गाड़ी मारुति के अंदर जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं वो फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट मीन्स हो जाता है FIRST। इस नाम के अंदर, फर्स्ट के अंदर गाड़ी की पूरी डेफिनेशन होती है। F माने फ्रंट, I माने इंटीरियर, R माने रियर, S माने सीट, S सेफ्टी और T टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर गाड़ी की पूरी डिटेल्स आती हैं, जो गाड़ी आपकी फ्रंट में कैसी है, दिखने में कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका इंटीरियर के बारे में, उसके टर्बोचार्जर के बारे में, ये सब डिटेल्स रहती हैं। ये फ़िलहाल LXi गाड़ी दिखाई है मैंने आपको, अब मैं आपको VXi गाड़ी दिखाता हूँ वैगनार, उसको भी अपन एक बार घूम के चारों साइड से चेक करते हैं, देखते हैं उसका लुक, डिज़ाइन। बाद में मैं गाड़ी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स जो दूंगा वो मैं एक बार पहले आपको गाड़ी का बाहरी रूप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, फीचर्स, सेफ्टी, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी गाड़ी ख़रीदने से पहले उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए रोज़ जल्दी से जल्दी थोड़े थोड़े टाइम को लेके रिव्यू लेके आता रहता हूँ। अब मान लीजिए अपन गाड़ी को जो स्टार्टिंग करते हैं वो LXi वेरिएंट से करेंगे। वैगनार के अंदर CNG वेरिएंट के अंदर 2 मॉडल रहते हैं, एक तो रहता है दोस्तों LXi, ये LXi मॉडल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी पहले जो मैं आपको थोड़ी सी दोनों मॉडल्स की डिटेल बताऊँगा कि इसके अंदर क्या माइलेज है, टॉर्क क्या है गाड़ी का, वो चीज़ें। देखिए जो गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं CNG, पहले पेट्रोल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे कि पेट्रोल और CNG में आपको बेनिफिट कौन सी में रहेगा। जो पेट्रोल ट्रांसमिशन की गाड़ी रहेगी, वैगनार LXi हो चाहे वो वैगनार VXi हो, तो उसके अंदर आपकी जो एवरेज रहेगी वो 24.35 किलोमीटर पर लीटर की रहेगी, और CNG के वेरियंट के अंदर जो एवरेज रहेगी वो 34.5 की रहेगी। यानी कि ये लगा के चलिए 10 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क, प्लस में बढ़ते हुए पेट्रोल से जो CNG तक का सफ़र है, CNG आपको 50 रुपये भी मिलती है, 60 भी मिलती है, 70 भी मिलती है, तो वो डिफरेंस अमाउंट आपका कवरअप करती है। अब गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो दोनों गाड़ियों का जो इंजन है वो 998 CC का रहेगा। मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 49 किलोवाट 5500 RPM के अंदर रहेगा, 66 किलोवाट 6000 RPM के अंदर रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 89 Nm की टॉर्क रहेगी 3500 RPM पे, और 82.1 Nm की रहेगी 3400 RPM पे CNG की। टर्निंग रेडियस की बात की जाए, जो गाड़ी का टर्निंग पॉइंट होता है जिससे गाड़ी का अपन छोटी सी जगह में मूवमेंट कर सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट है आपका 4.7 का। इसका जो फ्यूल टैंक की बात की जाए तो फ्यूल टैंक रहेगा इसका आपका 32 का लीटर का, और CNG के अंदर वहीं आपका 60 लीटर। वाटर इक्विपमेंट यानी कि जो आप बोल सकते हैं 12 किलो के लगभग का।
व्हील बेस की बात की जाए, जो एक टायर से दूसरे टायर की दूरी होती है, जो आपको बैठने के लिए स्पेस देती है कैबिन रूम के अंदर का, वो आपका 2435 mm का रहता है। टायर साइज़ की बात की जाए तो LXi वेरिएंट के अंदर, इस वाले वेरिएंट में जो मैं आपको बताता हूँ, LXi वेरिएंट के अंदर टायर साइज आपका 155/80/13R का रहेगा। और अगर VXi CNG वेरिएंट की बात करूँ तो 165/70R14, यानी कि ज़मीन से ऊंचाई, टायर साइज़ बड़ा, चलाने में कंफर्ट। बूट स्पेस की बात की जाए, अभी मैं अब आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता देता हूँ, वैसे थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस गाड़ी का जो रहेगा वो रहेगा 341 लीटर का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, पहले आप देखिए थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को, 165 mm की रहती है, जो आपको मतलब जो अपने हरियाणा में बोल सकते हैं, इंडिया में बोल सकते हैं, जो ब्रेकर वगैरह है उनसे आपको गाड़ी बचाती है ब्रेकर टच होने से। अब अपन बात करते हैं LXi वेरिएंट में आपको क्या क्या फ़ीचर मिलेंगे, ब्रीफ उनके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये LXi वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मैं टच करके बताता हूँ। एक तो इसके अंदर जो मिरर है वो आपके नॉर्मल रहेंगे, एडजस्टेबल आपको मिरर उतार के हाथ से ही करने पड़ेंगे थोड़ी सी दूर से। इसका जो डोर ओपनर है वो ब्लैक कलर का रहेगा, मैचिंग का नहीं होगा। अंदर से बात की जाए तो इसके अंदर आपको फ्रंट की पावर विंडो मिलती है, चारों डोर लॉक सिस्टम मिलते हैं, बजर सिस्टम मिलता है, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग मिलती है, मीटर आपका सिंपल रहता है। मीटर देखिए एक बार दोस्तों आप, इसका ये मीटर रहेगा इसके अंदर। स्टेयरिंग आपका नॉर्मल रहेगा, टिल्ट नहीं है। स्पेस वाइज बात की जाए काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर, चार्जर सॉकेट दिया गया है इसके अंदर ऑलरेडी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्जिंग सॉकेट पॉइंट इसमें दिया गया है ऑलरेडी। ये म्यूजिक सिस्टम की जगह है जहाँ पे आप अपना टच या फिर कीपैड वाला सिस्टम लगवा सकते हैं। डबल ड्यून टोल इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी है, डबल कलर के अंदर। ये इसका ग्लो बॉक्स है, एयर बैग है दो फ्रंट में, कॉइन होल्डर वगैरह है, ये देखिए ये कॉइन होल्डर, बोथ साइड में आपको वोटर होल्डर मिलते हैं LXi वेरिएंट के अंदर, ये देखिए इसमें ये कॉइन होल्डर प्लस ग्लास होल्डर, एक स्पेस ये रहेगा छोटा सा जो आपके रखने के लिए। ये फ्यूल CNG का ऑप्शन रहता है जो ऑटो कन्वर्ट रहती है इसके अंदर। ये बैक वाला पोर्शन दिखाता हूँ मैं आपको LXi CNG का, ये देखिए इसमें भी आपको बोतल होल्डर मिलेंगे। पीछे का स्पेस देखिए आप, कितना बढ़िया स्पेस है, लेग रूम कितना बढ़िया है, हेडरूम देखिए, हेडरूम भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का। फोर डोर स्पीकर्स के साथ दी गई है गाड़ी, चारों डोर के अंदर स्पीकर हैं अगर आप लगाना चाहें तो। मैं आपको इसका डिग्गी का और दिखाता हूँ, जो स्पेस है फाइव डोर के अंदर है गाड़ी। एक मिनट, इसकी चाबी के बिना ये ऑन नहीं होगी। यहाँ पे आपके अंदर बेस मॉडल के अंदर एक छोटा सा लॉस है कि मैनुअल चाबी से ही आपको ओपन करना पड़ेगा डिग्गी को। ये इसका स्पेस रहेगा, पार्सल ट्रे इसमें आपको बेस मॉडल से ही मिलती है। ये आपकी स्टेपनी रहेगी, CNG टैंक रहेगा, यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का बटन। अगर स्पेस वाइज बात की जाए तो इसमें आप सामान रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर सामान नहीं रख सकते, तो स्पेस वाइज ओके है। प्राइस की बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा आपके लिए, आप ये मत सोचना कि मैं आज आपको रेट नहीं बताऊँगा, मैं दोनों गाड़ी के आपको प्राइस डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि LXi गाड़ी का प्राइस आपका और VXi गाड़ी का प्राइस में डिफरेंस कितना है और फीचर वाइज कितना डिफरेंस है। देखो दोस्तों, आपने LXi के बारे में बहुत बढ़िया जान लिया, फीचर वाइज एक ब्रीफली बताएं तो AC, हीटर, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट की पावर विंडो, ABS, एयर बैग, बैक सेंसर, ये बेस मॉडल के अंदर मिलते हैं। अब मैं बात करूँगा आपको VXi वेरियंट की,
उसमें क्या फीचर्स हैं, आइए मेरे साथ रहिए। ये देखिए इसका VXI वेरिएंट है, मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्रंट दिखाता हूँ। पहले फ्रंट वाइज दोनों गाड़ी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा आप इसको अगर देखते हैं तो फ्रंट से आपको जो इसके ग्लास है साइड ग्लास वो आपके डिफरेंस है, वो फर्क में आएंगे, देखने में पता लगेगा। अब मैं आपको गाड़ी एक बार पास से दिखाता हूँ। ये मिरर और डोर ओपनर इसमें मैचिंग के हैं, बाहर से देखिए। और VXI CNG का रेट मैसेज कर जल्दी इसी कंपनी नंबर पर। ये आप देख रहे होंगे लुक का फर्क बैक से फ्रंट से। आइए अब मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी। देखिए दोस्तों ये VXI वेरिएंट है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाबी के अंदर सेंटर लॉक मिलता है, बोथ चाबी के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी चीज देखी जाए तो चारों पावर विंडो मिलती हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मिरर एडजस्टेबल मिलते हैं, जो इस जोस्टिक से आप बोथ साइड के मिरर बिना ग्लास डाउन किए एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो डोर ओपनर है वो सिल्वर पैनल के अंदर रहेगा, जो आपके लुक को स्पोर्टी बना देता है। अब अंदर से गाड़ी का बैक के बात की जाए तो देखिए ये इसके अंदर टिल्ट स्टेयरिंग है। ये देखिए स्टेयरिंग आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो देखिए म्यूजिक सिस्टम अलर्ट सिस्टम काफ़ी हैं इसके अंदर, वार्निंग सीट बेल्ट, लो फ्यूल म्यूजिक सिस्टम, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी गाड़ी के अंदर स्टीरियो में इनबिल्ट दी गई है, ऑक्स FM रेडियो के लिए दिया गया है, एंटीना दिया गया है, पावर चार्जिंग सॉकेट दी गई है इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर वाइज ड्यूल टोन इंटीरियर ही है, बाकी जो आपका कॉइन होल्डर है बोतल होल्डर है वो सेम है चारों गाड़ी के अंदर, चारों डोर के अंदर आपको बोतल होल्डर मिलते हैं। बैक सीट की बात करते हैं दोस्तों, देखिए बैक सीट भी आपकी सेम है। स्पेस वाइज देखा जाए तो इसके अंदर ये मेरे बगल में व्हील कवर का डब्बा है जो आपको टायरों के साथ मिलते हैं, कंपनी मारुति द्वारा दिए जाते हैं। ये रखने के बाद भी एक सीट और अच्छे से बचती है, यानी कि आपको 3 स्पेशियस पैसेंजर सीट कार मिलती है। चारों साइड में आपको बोतल होल्डर मिलता है, अलग से कोई आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेंडर जो गैस सिलेंडर होता है वो भी CNG वेरिएंट, हर एक CNG वेरिएंट के अंदर दिया जाता है सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए। चारों डोर्स में पावर विंडो बैक में अलग डोर्स के अंदर ही दी गई है, सिल्वर पैनल के अंदर डोर ओपनर दिए गए हैं आपके। इस गाड़ी के अंदर जो बैक में डिग्गी में आपको चाबी का ऑप्शन नहीं है, 5 डोर लॉकिंग के अंदर है। ये देखिए सेम आपका स्पेस रहेगा, पार्सल ट्रे रहेगी, डिग्गी स्पेस सेम है, सिलेंडर आपका 60 लीटर वाटर का इक्विपमेंट का रहेगा 11 से 12, वो आपके CNG प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी CNG डलती है। बैक सेंसर दिए गए हैं गाड़ी में सेफ्टी के मामले में। देखिए छोटी छोटी बातें की जाए तो गाड़ी मारुति का प्रोडक्ट जो सेलिंग कार में सबसे ज़्यादा रहता है वो इसलिए रहता है कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सबसे चीपेस्ट रेट के अंदर मारुति द्वारा दिया जाता है। एवरेज वाइज इशू नहीं होता, स्पेयर पार्ट सस्ता रहता है इस गाड़ी का। अब एक बार आप गाड़ी को देखते रहिए और मैं गाड़ी की डिटेल्स को आपको बताता रहूँगा। पहले देखिए कुछ पार्ट्स मैंने आपको डिटेल्स गाड़ी के बारे में बता दी थी, अब गाड़ी के कलर्स की बात की जाए, नो कलर के अंदर वैगनार गाड़ी आपकी आती है, फर्स्ट मॉडल ऐसा है जिसके अंदर नो कलर मिलते हैं आपको मारुति के। फीचर वाइज बात की जाए तो मैंने आपको सारे फीचर बताए हैं, बाकी इसके अंदर लो फ्यूल सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, डिस्टेंस टू MPT, हेडलैम्प ऑन वार्निंग सिस्टम, डोर अजर वार्निंग सिस्टम, ये सारे चीज, आइडियल स्टार्ट स्टॉप पेट्रोल के अंदर, ड्यूल टोन इंटीरियर, ये सब दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए आज मैं आपको जो लाया हूँ आपके लिए बेस्ट कार लाया था, अपनी तरफ से मैंने इसके अंदर पूरे एफर्ट डाले हैं वीडियो के अंदर। फीचर वाइज इसके अंदर बेस मॉडल को अगर परचेज करते हैं तो एसेसरी सॉकेट,
विद स्टोरेज ये मिलता है, एसी हेड एंड हीटर मिल जाता है, एयरबैग वगैरह, ईसीपी, ईएसपी, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। और VXI के अंदर बात की जाए तो देखिए 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है जो बैक का आपका स्पेस कर सकती है, डे नाइट ORVM मिल सकता है, टिल स्टेयरिंग मिलता है, स्टेयरिंग व्हील गार्निश मिलती है, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल मिलते हैं जो मैंने आपको जिक्र किए हैं, रिमोट की लेस एंट्री मिलती है, सेंटर लॉक, रियर पार्सल ट्रे मिलती है, 4-डोर पावर विंडो मिलती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, स्मार्ट प्ले डक मिलता है, 4-डोर पावर विंडो मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अलग मिलती हैं, USB, ऑक्स कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया 165mm की, ये सारी चीज़ें मिलती है। बूट स्पेस बोथ गाड़ी का और ग्राउंड क्लियरेंस बोथ गाड़ी की सेम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 165mm का रहेगा और बूट स्पेस की बात की जाए तो 141 लीटर का रहेगा। अब दोस्तों विपिन शर्मा के साथ अब वो वक्त आ गया जिसके प्राइस के बारे में जो मेरे को आपको बताना है। अब मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के प्राइजेस के बारे में डिटेल दूंगा। देखिए जो LXI वेरिएंट है CNG का, उसकी कोटेशन है 6,44,500 रुपये, कॉस्टिंग कॉस्ट है ओनली प्राइस। इसके अंदर आपको डिस्काउंट अलग मिलेगा, RC इंश्योरेंस के चार्ज अलग लगेंगे, आपके वारंटी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप 5 ईयर वारंटी लेना चाहते हैं कि नहीं, पर मैं हर कस्टमर को सजेस्ट करूंगा कि 5 ईयर वारंटी ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हम कंपनी में कभी भी जाके बोल सकते हैं कि मैंने इसकी वारंटी ले रखी है, अगर वो मेरा पार्ट उसमें इंक्लूड है तो कंपनी उसको अच्छे तरीके से आपका सॉल्व करेगी। ये VXI CNG है जिसकी कोटेशन 6,89,500 रुपये है। तो ये लगा के चलिए आप LXI और VXI के अंदर जो प्राइजेज का डिफरेंस है वो है 45,000 का, और 45,000 के अंदर आपको इतने फीचर मिलते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल बढ़िया है। और देखो भाई सभी फैमिली सिचुएशन कंडीशन अलग अलग होती हैं, तो अगर किसी भाई का थोड़ा बजट डाउन है, कम है, तो वो LXI वेरिएंट को भी प्रेफर कर सकता है। बाकी मेरा सजेशन उसको यही रहेगा कि वो VXI वेरिएंट को सजेस्ट करे, उसके अंदर गाड़ी के अंदर कंप्लीट फुली लोड फीचर के साथ गाड़ी मिलती है। तो आप विपिन कुमार के साथ, सेल्स एक्सपर्ट, सेल्स कैप्टन के साथ एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, नई गाड़ी के साथ, नए उसके परफॉर्मेंस के साथ। थैंक यू सो मच।